हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में कई प्रकार के परीक्षा शुरू होने वाले हैं, तो सभी परीक्षा को देखते हुए बिहार एसआई, बिहार सचिवालय, बिहार कर्मचारी, बीपीएससी, तमाम एग्जाम को देखते हुए मैंने आज बिहार के सीरीज स्टार्ट किए बिहार जीके का। ये क्लास मैराथन क्लास चलने वाले में से है, तो पूरे देखिएगा शुरू से अंत तक। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करेंगे बिहार का ज्योग्राफी के बारे में, यानी बिहार के भूगोल के बारे में। अब समझना है दोस्तों, इससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ लेते हैं, इनकी परिचय क्या है। तो इनकी परिचय जो है, इनका नामकरण से लेकर, तो इनका जो नामकरण हुआ था वो आपका बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा दिया गया, तो बौद्ध मठ से ही बिहार बना है। तो पहला सवाल अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा कि इसका नामकरण किससे हुआ है, तो बौद्ध मठ से हुआ है। जब बात हम करते हैं कि मुगल कालों में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब एक था, लेकिन 1911 में आप सबको अगर मॉडर्न इंडिया का थोड़ा नॉलेज होगा तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। उस समय घोषणा कर दिया गया था कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा, यानी कि बिहार बंगाल पहले एक साथ था। तब 1911 में घोषणा हुआ और 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से क्या हो गया, अलग हो गया। तो सवाल बन सकता है कि बंगाल से बिहार अलग कब होता है, तो 22 मार्च 1912। इसी 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और ये बिहार दिवस के रूप में हाल ही में नीतीश कुमार के सरकार में मनाना शुरू कर दिया गया था। मतलब कि ज़्यादा उस समय से नहीं मनाते, अब से मनाते हैं। तो 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। जब 22 मार्च 1912 को बिहार हमसे अलग हुआ था तो उसमें झारखंड था और उड़ीसा था, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। अब क्या हुआ, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है, तब बिहार में बिहार बचेगा और झारखंड बचेगा। आगे क्या हुआ, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को आपका बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो पूर्ण रूप से बिहार जो है वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी से अस्तित्व में आया। जब बिहार झारखंड एक में था तब 55 कुल जिला हुआ करते थे, 55 जिला हुआ करते थे। अब 55 जिला, इसमें से संपूर्ण बिहार के शुरुआत में 37 मतलब 37 जिला मिले थे, तो कितना बच जाएगा। अगर 55 में से 37 जिला मिलेंगे तो सिंपल सी बात है 18 जिला बचेंगे। अब यहाँ पे 18 जिला झारखंड को मिला और 37 जिला आपको बिहार को मिला, लेकिन वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिला है। सन 2001 ईस्वी को सबसे अंतिम जिला अरवल को बनाया गया, तो अरवल को लेकर कुल कितना जिला हुआ, 38 जिला हुआ। एक कुछ विशेष बातें हुए जैसे कि प्रमंडल, अनुमंडल, ये सब तमाम चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे, पर थोड़ा इसको ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर इसके राजकीय पशु की बात किया जाए तो बिहार के राजकीय पशु जो होते हैं वो बैल हैं, बैल समझते ना, बैल। और राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो क्या है दोस्तों, पीपल है। हम लोग खूब बढ़िया से बैल के बारे में जानते हैं, हम लोग गाँव के आदमी हैं, है ना, बुझला कि ना रहुआ लोग बुझलू कि ना भाई। अब अगर वृक्ष कौन है, पीपल है। अगर पंछी की बात की जाए तो गोरैया, हम लोग का राष्ट्रीय पंछी जो है वो आपका गोरैया। अगर हम लोग राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो गेंदा है, गेंदा फूल होता है, सबके घर के आसपास गेंदा फूल होगा। और अगर मछली की बात किया जाए तो मांगूर मछली खूब फेमस है बिहार में, कौन मछली, मांगूर मछली। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो बिहार 13वां राज पर है, लेकिन पहले 12वां राज था। सन 2014 ईस्वी में तेलंगाना अस्तित्व में आया, तब जाकर कितना हो गया भैया, 13वां राज बना। जनसंख्या के दृष्टि जानिएगा तो आपका तीसरा राज होगा, कौन, तीसरा राज। लेकिन भाई साहब अगर राज की समझिएगा तो जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, तो उसके दृष्टिकोण से फिर से वापस 12वें पर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आया। तो फिर से पशु बैल, वृक्ष पीपल, पंछी गोरैया, पुष्प जो गेंद है, मछली जो है मांगूर है, क्षेत्रफल के 13वां है और जनसंख्या से आपका तीसरा है।
अब समझना है कि बिहार किस किस राज्य और किस किस देश से सीमा लगाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, बिहार जो है भारत का एक राज्य है, उत्तर भारत के उत्तरोत्तर में पड़ता है, मतलब उत्तरी राज्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर समझा जाए तो संपूर्ण भारत ये है, तो उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, पूरब है, यहीं पे कुछ इस प्रकार से बिहार है। तो उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा, दक्षिणी अक्षांश में तो पड़ेगा नहीं, उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। अब ये वाला एरिया में, मतलब कि उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब, इसको हम पूर्वोत्तर कहते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत के मानचित्र के हिसाब से ये बिहार आपके हैं। अब समझिएगा, अब यहाँ पे बिहार से सीमा कौन कौन लगाते हैं, तो नेपाल सीमा लगाती है, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो अगर बिहार के मैप समझिएगा तो उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में क्या है, झारखंड है, पश्चिम में यूपी मतलब उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल है। बिहार के मानचित्र में कैसे समझेंगे, तो समझिएगा ध्यान से, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ऊपर ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हुआ, ये पश्चिम हुआ और पूरब हुआ। तो उत्तर में क्या बात है, नेपाल, दक्षिण में सर झारखंड, कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और ये पश्चिम में यूपी और पूरब में आपका पश्चिम बंगाल, यही तो है। अब ये समझना है कि नेपाल से सीमा कौन कौन सा जिला लगाता है, तो नेपाल से सीमा सबसे पहले पश्चिम चंपारण लगाता है। चंपारण पहले एक ही था, अब दो भाग में बट गया, एक पश्चिमी चंपारण और एक पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण को बेतिया कहते हैं और पूर्वी चंपारण को मोतिहारी कहते हैं, बेतिया और मोतिहारी, यानी कि पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, ये दोनों नेपाल से सीमा लगाती है, अर्थात यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और आपका किशनगंज, ये वाला एरिया किशनगंज है। इतना सारे जगह जो है वो किससे सीमा लगाता है, तो ये तमाम चीज़ों जो है वह सीमा लगाता है दोस्तों नेपाल से। अब नेपाल से सीमा याद किसे रहेगा सब, कभी कभी पश्चिम से पूरब भी पूछ सकता है, तो पश्चिम से पूरब में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और आपका किशनगंज, यह आपका सीमा किससे लगाएगा, तो यह आपका नेपाल से सीमा लगाएगा। इसके याद करने कोई उपाय है सर, एक इसके याद करने का उपाय है दोस्तों, इसका ट्रिक लिखिएगा, पप्पू सिम सुवा की, थोड़ा सा फनी टाइप के है, पप्पू सिम सुवा की, पप्पू सिम सुवा की, क्या याद रखना है, पप्पू सिम सुवा की, प से हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पू से हो जाएगा पूर्वी चंपारण, सी से सीतामढ़ी, म से मधुबनी, सु से सुपौल, अ से अररिया और की से होगा किशनगंज। तो ट्रिक क्या हुआ, पप्पू सिम सुवा की, क्या बोलना है, पप्पू सिम सुवा की, प से क्या, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अगर टोटल टोटल जिला की बात किया जाए तो आपको एक जिला, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब कि 7 जिला नेपाल से सीमा लगाती है। और जब ये नेपाल सीमा लगाएंगे तो इसे अंतर्राष्ट्रीय जिला कहते हैं। तो कितना हो गया, 7 हो गया। ट्रिक में क्या बोलना है, पप्पू सिम सुवा की, क्या, पप्पू सिम सुवा की। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, अब इधर वाला स्टेट क्या हुआ, पश्चिम बंगाल है, क्या, वेस्ट बंगाल है। अब सुनो ध्यान से, पश्चिम बंगाल से सीमा कौन कौन लगाता है, तो बढ़िया समझना किसकी बात हम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल से सीमा मात्र जो है 3 राज्य लगाता है, एक तो आपका किशनगंज लगाएगा, पूर्णिया लगाता है और आपका कटिहार लगाएगा। किशनगंज, पूर्णिया और आपका कटिहार, यह सीमा किससे लगाता है, तो यह सीमा लगाता है
पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल पर याद करने का ट्रिक कैसे याद करेंगे, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, एक आपकी काकी, दादी को काकी बोलते हैं, तो ऐसे बोलना है काकी आज पूर्णिमा हो, काकी आज पूर्णिमा हो, ऐसे बोलना है। तो भाई साहब क्या बोलना है, काकी आज पूर्णिया है, काकी आज पूर्णिया है। अब क्या क्या याद रहेगा सर, क से किशनगंज या क से कटिहार, और की से आपका किशनगंज, क से कटिहार, की से किशनगंज, और पूर्णिया से पूर्णिया। तो पश्चिम बंगाल से कितना लगा लिया, तीन लगा लिया, कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कोडिंग में क्या बोलना है, काकी पूर्णिया, काकी पूर्णिया। कभी कभी ऐसा भी आते हैं कि पूर्णिया सब लड़की लोग के नाम होते हैं, तो ऐसे बोलना है, आपकी अगर डार्लिंग होगी लड़की लोग, है ना, अपनी होए करेगी गर्लफ्रेंड ऐसा, तो अपनी काकी को मिलाना है, तो कह देखो काकी यही हमारी पूर्णिया है, ये कैसे भी याद कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या देखना है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, तो ऐसी बात हो जाए, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, क से कटिहार, काकी से किशनगंज, और पूर्णिया से आपका पूर्णिया हो गया। इतनी बात समझ में आया क्या। अब अगला क्या है दोस्तों, तो अगला है सर झारखंड, झारखंड में बहुत ही याद करना है सर। अब झारखंड से सीमा जानते हैं, आठ राज्य लगाता है, कितना राज्य, आठ राज्य जो है वह सीमा कहाँ से लगाता है, तो याद रखना है झारखंड से लगाता है। अभी आठ राज्य हम कहाँ से काउंटिंग करेंगे, बड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी आठ जिला, आठ जिला कैसे याद रखना है, तो यहाँ शुरू करिएगा इसको, ऐसे इसलिए हम शुरू कर रहे हैं कि भाई साहब ये पश्चिम से पूरा बीबीपीएससी में पूछता है, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, और आपका भागलपुर, और आपका कटिहार, कटिहार इससे भी सीमा लगाता है, झारखंड से भी लगाता है, और पश्चिम बंगाल से लगाता है, कौन, कटिहार। सेम उसी प्रकार से कि किशनगंज नेपाल से भी लगाता था और पश्चिम बंगाल से भी लगा रहा था। तो इसके याद करने का एक शानदार ट्रिक लिख लीजिए, रोवा गन्ना जब भागा कटिहार, रोया गन्ना जब भागा कटिहार, जब भागा कटिहार तो गन्ना क्या किया, रोने लगा, तो रो से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना रोहतास हो जाएगा सर, रोहतास, रोहतास हो गया। आ से औरंगाबाद है, ग से गया, और न से नवादा, और ज से जमुई, और ब से बांका, और भागा से याद रखना है भागलपुर, और कटिहार से याद रखना है कटिहार। कुल कितना हो गया, आठ जिला, फिर से एक बार रिकॉल करना है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। कोडिंग में क्या बोलना है, रोआ गन्ना जब भागा कटिहार, रोआ गन्ना जब भागा कटिहार, फिर से बोलो क्या, रोआ गन्ना जब भागा कटिहार। इतनी बात समझ में, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, आपका जमुई, बांका, भागलपुर, और आपका क्या, कटिहार। अगला बात समझिएगा, इधर वाला उत्तर प्रदेश है, क्या, उत्तर प्रदेश। अब सिंपल सी बात समझना ये है कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज, अब इसको याद रखना है उत्तर से दक्षिण, क्या, उत्तर से दक्षिण याद रखना है। तो इसका ट्रिक हम यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत आसान से याद हो जाएगा। इसका ट्रिक है पगो सीसा बभो भारो, पगो सीसा, सीसा बभो भारो, बभो भारो, पगो सीसा बभो भारो। अब कैसे याद रखना है, पद से याद रखना है पश्चिमी चंपारण, वहाँ से ऊपर से नीचे पश्चिमी चंपारण, और आपको गो से याद रखना है गोपालगंज, और एगो सीसा से, सी से याद रखना है सीवान, क्या, सीवान, और सीवान याद रखना है। उसके बाद एगो से याद रखना है सारण, सारण हम छपरा को बोलते हैं, तो सारण को कहीं कहीं छपरा भी बोल सकते हैं, और ब से याद रखना है बक्सर, और भ से याद रखना है भोजपुर, ये दोनों करीब करीब एक साथ हैं। अब भ से आपका भभुआ याद रखना है, और ओ से आपका रोहतास याद रखना है। अब आपको लग रहा होगा सर पहले भोजपुर की पहले बक्सर, तो ये
इस टाइप के हैं। तो याद रखना है पहले आपका बक्सर, भोजपुर, इतने बात याद रखना, फिर आपका भभुआ और आपका क्या याद रखना भैया, रोहतास। समझ में आया? तो ट्रिक क्या हो गया, पगो सीसा बभो भारो, पगो सीसा बभो भारो, पगो सीसा बभो भारो। तो ये आपको बहुत आसान से उम्मीद करते हैं कि आपको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। इतनी बात समझ में है? ठीक, आपको याद रखना है बक्सर से ठीक ऊपर में आपका भोजपुर वाला एरिया बनता है। तो इतना सारा बात हो गया, पगो सीसा बो। हाँ, तो दोस्तों बक्सर से ऊपर में क्या याद रखना है, तो याद रखना है भोजपुर। भोजपुर कहाँ है? बक्सर से ऊपर में, यानी कि पहले भोजपुर बोलना है और उसके बाद बक्सर बोलना है, ऊपर से नीचे में। तो ऐसे लिख लो ना भाई, पगो सीसा बभो भारो, ऐसे याद रखना, भोजपुर बक्सर। समझ में आया? ये आपका ट्रिक हो गया, पप्पू सिमसुआ की अंतर्राष्ट्रीय वाला हो गया, काकी पूर्णिया पश्चिम बंगाल वाला हो गया, झारखंड रोवा गन्ना जब भागा कटिहार, पगो सीसा भाबो भारो याद हो रखना। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। तो अब समझना है अस्थल रुद्र जिला के बारे में। अब अस्थल रुद्र जिला कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो उसका सीमा किसी राज्य से मिलता है और न ही सीमा उसके किसी आपका देश से मिलता है, सिर्फ के सिर्फ उनकी सीमा अपना ही बिहार में किसी न किसी जिला से मिलता होगा, उसे अस्थल रुद्र जिला कहते हैं, अस्थल रुद्र जिला कहेंगे। अब अस्थल रुद्र जिला कैसे याद रहेगा, कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सा अस्थल रुद्र जिला है, कैसे याद रखेगा सर? खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़े थे, एगो के मौसी बन गया SDM, और केकर मौसी बना, तो पाना सेला का मौसी बना, पाना सेला का मौसी क्या बन गया, SDM और एस लगा देना लास्ट में, SDMS, ऐसे बोलना। तो कह पाना सोला सेला मुबी मौसी SDM और लास्ट में एस, पाना सेला मतलब पाना सेला बोल रहा है अपनी मौसी से कि तू SDM बन गेले तो हमने के मूवी देखाओ, SDM बन गए तो का देखाओ, मूवी देखाओ। हमने के बिहार में कहावत है कि भाई तोरा कुछ हो लो तो हमारा पार्टी तो पड़ते, तो इन लोग क्या मांग रहा है, मूवी देखने की, हम फिल्म देखे जाएंगे भाई। सब छपरा में, बिहार के छपरा में, सारण में, सिवान में, गया में, नवादा में कोई ना कोई मूवी जरूर लगल रहता है। हमने के भोजपुरिया मूवी बड़ा फेमस बा, है ना, ससरा बड़ा पैसा वाला, कट्टा तनल दुपट्टा पर, गजबे गजबे के नाम बा भाई फिल्म के। अब यहाँ पे समझिएगा, तो अब यहाँ पे याद रखना है, तो प से हो गया पटना, पटना स्थल रुद है, वो किसी राज्य किसी देश से सीमा नहीं लगाता है, किसी देश मतलब कि नेपाल से। नालंदा, पटना नालंदा, से होगा शेखपुरा और ल से होगा लखीसराय, म से होगा मुंगेर और वी से होगा वैशाली और मऊ से होगा मुजफ्फरपुर और सी से आपका शिवहर। SDM एस को हम यहाँ लिखे हैं, एस से होता है समस्तीपुर और डी से आपका दरभंगा और एम से मधेपुरा और एस से आपका होगा सहरसा। तो क्या बोलना है भाई साहब, पाना सेला मूवी मौसी SDMS, मतलब कि पाना सेला के मौसी SDM बना तो मूवी देखने हमको लेके जाएगा। फिर से पटना नालंदा शेखपुरा लखीसराय मुंगेर वैशाली मुजफ्फरपुर शिवहर समस्तीपुर दरभंगा मधेपुरा और किसकी कहानी हो गया, तो एक कहानी हो गया सहरसा का, किसकी भाई साहब, सहरसा का कहानी हो गया। ये सारी के सारी मैंने क्या की आप लोगों को कि सभी के सभी आपको दिखा दी। और एक लास्ट जो जिला बच गया था उसका क्या नाम था, अरवल, जो लास्ट में आया था भाई साहब, अरवल ना सबसे अंतिम जिला था आपका अरवल, तो एक आपको अरवल अलग से याद रखना। ये तमाम चीज़ें आपको 38 के 38 जिला मैं कम्प्लीटली रूप से पढ़ा दिया हूँ, जो कि यहाँ से इस प्रकार से जिला का एक क्रमबद्ध रूप से कि कौन सा किससे सीमा लगाता है, कौन सा कहाँ लगाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें आपको बताने की हम कोशिश किए हैं, है ना। तो अब एक लास्ट में अरवल भी याद रखना। तो भाई पटना नालंदा शेखपुरा लखीसराय मुंगेर वैशाली मुजफ्फरपुर शिवहर समस्तीपुर दरभंगा मधेपुरा और सहरसा, ये आपकी स्थल रुद हो गया और ये आपका इधर जो हम पढ़ाए थे पीछे वो आपका सीमा किससे किससे लगाता है। अब समझिएगा कि प्रमंडल कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार
कुल 9 प्रमंडल हैं। उससे पहले 64वीं बीपीएससी पीटी में प्रश्न पूछा था कि पटना से कितना जिला टच करता है, सीमा लगाता है। अभी स्थल रूट बता रहे थे पटना है, तो टोटल 9 जिला इनसे सीमा लगाता है। सारण, छपरा, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, इसको आरा भी बोलते। तो ये आपका पटना से 9 जिला। एग्जाम में तो ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ दिया तो आपको पढ़ना भी चाहिए कि संभावना बनती है ऐसे सवालों का। अब हमने ये 9 प्रमंडल को बंटवारा की पूरे बिहार के मानचित्र। आप सभी जानते हैं कि बिहार के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है, गंगा नदी, और यही गंगा नदी बिहार के दो भागों में बांटता है, उत्तरी बिहार ऊपर वाला को और नीचे वाला को दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। एक सवाल और बन सकता है कि ये बताना है कि गंगा नदी बिहार के कौन सा जिला से एंट्री करता है, कौन सा जिला से एंट्री करता है। तो याद रखना, बक्सर के चौसा नामक जगह से एंट्री करता है। अब इस प्रकार से गंगा नदी ऐसे गया भाई साहब, और ये पूरा के पूरा गंगा नदी, ऊपर वाला को उत्तरी बिहार और नीचे वाला को दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में कुल 5 प्रमंडल है, प्रमंडल कितना 9। उत्तरी बिहार में कुल कितना प्रमंडल, 5 प्रमंडल है। अब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, प्रमंडल की संख्या 9, तो उत्तरी बिहार में कितना प्रमंडल, तो 5 प्रमंडल ध्यान रखिएगा। सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, ये जो हम रेड कलर से लिखे हैं, मतलब कि सारण प्रमंडल में 3 जिला, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला, दरभंगा में आपका 3 जिला, कोसी में आपका 3 जिला, और पूर्णिया में आपका 4 जिला। मतलब सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मेरे साथ बोलिए, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, ये सब कहाँ चला जाएगा, ये सब उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल, और दक्षिणी बिहार में कितना, 4 प्रमंडल आएंगे। पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। अब समझिएगा कितने प्रमंडल, 9 प्रमंडल। उत्तरी बिहार में 5 गो, बीच में कौन नदी बहती है, गंगा नदी। बिहार कितने भागों में बांटेगा, 2 भागों में, उत्तर को उत्तरी बिहार, दक्षिण को दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, दक्षिणी बिहार सुखाड़ रहता है। समझाएंगे वहाँ बाढ़ क्यों आता है और समझाएंगे यहाँ सुखाड़ क्यों आता है। तो सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, बड़ा एक बार दिमाग कंसंट्रेट करिए। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, फिर से सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, और नीचे में कितना, 4। पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। पटना में 6 जिला, पटना प्रमंडल में 6 जिला, मगध प्रमंडल में 5 जिला, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला, भागलपुर में 2 जिला। अब इसको 9 प्रमंडल याद करने का सिंपल ट्रिक याद रखना, पूसा को मुंभा दंपति, पूसा को मुंभा दंपति, भाई साहब थोड़ा कोशिश करिएगा तो समझ में आ जाएगा, पूसा को मुंभा दंपति, पूसा को मुंभा दंपति। पू से हो जाएगा पूर्णिया, स से आपका हो जाएगा, आपका स से क्या होगा, सार, को से कोसी, मुँह से आपका हो जाएगा मुंगेर, और भ से होगा भागलपुर, द से हो जाएगा आपका, द से दरभंगा, म से, म से आपका, म से आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, तो म से मगध, और प से पटना, और ती से तिरुद। तो ये हमारा 9 प्रमंडल हुआ। अब समझते हैं कि 9 प्रमंडल में कौन सा प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है, कौन सा प्रमंडल में कितने जिले हैं और उसका मुख्यालय कहाँ है, अब ये समझना है। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि मैंने पूरे जिला का नाम यहाँ पे लिखे हैं। अब क्या भाई साहब, जैसे सारण चलते हैं तो सारण प्रमंडल में 3 जिला होते हैं, कौन कौन, सारण, सिवान, गोपालगंज, और इसका मुख्यालय छपरा। सारण में छपरा है तो मुख्यालय कहाँ, छपरा, एग्जाम में पूछ सकता है। अब क्या समझना,
तिरहुत, तिरहुत में 6 जिला, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और वैशाली। इसका मुख्यालय कहाँ सर? तो इसका मुख्यालय है आपका मुजफ्फरपुर। दरभंगा में कुल कितना जिला? 3 जिला, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी। दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी। रेड से जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका मतलब है कि उसकी मुख्यालय, तो दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा है। कोसी प्रमंडल में 3 जिला, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये आपका सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। इसकी कोसी का मुख्यालय सहरसा पड़ता है। अब है पूर्णिया में 4 जिला, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, और पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया होगा। भागलपुर में 2, सबसे छोटा प्रमंडल यही है, सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर प्रमंडल है, सबसे छोटा प्रमंडल। अब इसमें बांका और भागलपुर पड़ते हैं, और ये इसमें 2 जिलाए हैं, तो इसका मुख्यालय भागलपुर होंगे। मुंगेर में याद रखना है 6 जिला होते हैं, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और आपका क्या शेखपुरा। अभी खगड़िया और शेखपुरा ये स्थल रुद्र में, वहाँ पे हम नहीं बताए थे, तो याद रखना स्थल रुद्र में खगड़िया और आपका शेखपुरा और शायद बेगूसराय, शेखपुरा शायद लिखे थे, खगड़िया और बेगूसराय नहीं बताए थे, कोई बात नहीं। इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय है मुंगेर। मगध में 5 है, नवादा, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, और मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है। पटना में 6 जिला आता है, पटना प्रमंडल में 6 जिला, बक्सर, रोहतास, नालंदा, पटना, कैमूर, भोजपुर। इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? कैमूर हो, सॉरी पटना हो गया, ऐसे याद करो। सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर का लीची जानवे करते हैं, एक भोजपुरी में गाना भी चल रहा है, तोरा का भाव बा लीची के हो। आइए दरभंगा में 3, तो दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा, कोसी का मुख्यालय सहरसा, पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया, भागलपुर का भागलपुर, मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर। बस 2-3 याद रखना है, मगध का गया और पटना का भी पटने, तो मगध का गया याद रखना आपको बढ़िया से, मगध का गया होता है मुख्यालय, और सारण का सिवान या छपरा याद रखना है, सारण का सारण याद रखना है, सारण को छपरा बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ प्रॉब्लम है तिरहुत को मुजफ्फरपुर और आपको कोसी को सहरसा याद रखना है, बाकी सब वही है, कोसी को सहरसा, तिरहुत के मुजफ्फरपुर। तो ये अपना हो गया क्या भाई साहब? तो ये हुआ ना आपका पूरे के पूरे परमंडल, और परमंडल में हम लोग क्या पढ़ने वाले, मतलब कि पूरे के पूरे जो परमंडल है कौन सा जिला कहाँ पड़ता है, ये तमाम चीज़ इसमें कंप्लीट हो गया होगा। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। BSSC, BPSC बिहार के तमाम एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आपको मोटिवेट करेंगे, लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे, तो मैं इस प्रकार से वीडियो कंटिन्यू जरूर बनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।